सिर्फ यही बात सोचकर जिंदगी भर अफसोस होगा मुझे कि मैंने तुम्हारे जैसे कायर इंसान से प्यार किया। बताओ उस दिन मेरे भाई मुन्ना को किसने मारा था? मैंने नहीं। बोल किसने मारा? बाबा भाई, मैं और बिल्ला। बाबा भाई ने मुन्ना को मार डाला और उस पे ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगा दिया। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? उस पुलिस वाले के मर्डर का वीडियो मुन्ना के फोन में था। ये बात जब बाबा को पता चली तो फिर वो खबर बाबा को किसने दी थी? मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। वो बात बाबा को बताई थी। कौन है रे? भाई, अब क्या होगा? रुको। हीरा, आप कौन? मुक्ति के लिए शहर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ आकर बाबा के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हो। सच में मुक्ति का मामा होने पर मुझे गर्व है। ओ, तो आप मुक्ति के मामा हैं? हाँ मामा, लेकिन इस बार मैं अपनी भांजी को नहीं बचा पाऊंगा उस जालिम के हाथों से। क्यों? तुम बहुत छोटे हो, एक अंधे प्रेमी हो। अगर तुम जानते कि बाबा कौन है, उसकी ताकत कितनी है, तो तुम यहाँ की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। देखिए मामा, मैंने अपनी भांजी को खोया है, अब उसकी बहन को नहीं खोना चाहता। बाबा के लोग सुबह शाम आकर घर पर धमकी देकर जाते हैं, तुम्हारा ठिकाना पूछते हैं, मुक्ति को ढूंढते हैं। हम तो बहुत डर में जी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा के लोग कॉलेज में जाकर भी मुक्ति की तलाश करते हैं। अगर तुम मेरी भांजी से सच्चा प्यार करते हो तो मैं उसी प्यार की दुहाई देकर कहता हूँ, कल सुबह तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओ। हम लोगों को हमारी किस्मत पर छोड़ दो। अपने आदमियों को बता दो, अब आखिरी खेल होगा। चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, FBI, CID सबको खबर कर दो। जिन्होंने भी हमारे साथ खेल खेला है, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जाओ, उन्हें ढूंढ निकालो। सुन, उसे जाकर खबर कर, युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध।
क्यों रे, क्या हुआ, कुछ खास बात है? मुस्तफा, प्रॉब्लम हो गई है। बाबा को हीरा के बारे में पता चल गया है, और ये भी पता चल गया है कि हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। इतने में डर गया? हमने तय किया था कि हम उसे खत्म करेंगे, अपने दोस्त मुन्ना की मौत का बदला लेकर रहेंगे। हाथी घोड़ा पालकी, जय बोलो बाबा की। पंगा लिया, बाबा से पंगा लिया, मैं माइंड कर गया, सीरियसली माइंड। तू तो मेरा दोस्त था ना? दोस्त यार, रिश्तेदार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है। वैसे तो मीर जाफर भी सिराजुद्दौला का रिश्तेदार था, और उसी के हाथों कोई मुझसे गद्दारी करे मुझे पसंद नहीं। लाश ठिकाने लगा दो। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे एक डेस्टिनेशन होता है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कुछ तो बता। हाँ हा? डरो मत, सिर्फ तुम्हें अलविदा कहने आई थी। जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन समझ गई थी तुम एक कायर इंसान हो, और आज तुमने ये फिर से साबित कर दिया। मामा ने रात में ही मुझसे शर्त लगाई थी, बाबा के डर से तुम आज सुबह ही भाग जाओगे। तुम अपनी खुद की जान बचाने के लिए भागोगे, उसका कोई अफसोस नहीं है मुझे। सिर्फ यही बात सोचकर जिंदगी भर अफसोस होगा मुझे कि मैंने तुम्हारे जैसे कायर इंसान से प्यार किया। कायर इंसान, वो लड़के कितने दुख में है हीरा, और तू यहां खड़े। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा।